दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद क्रिश में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब CTR और एडसेंस CTR में क्या फर्क है। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है नॉलेज से भरपूर, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों अगर आपका YouTube पर चैनल है और आप YouTube पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको YouTube के कुछ फीचर्स के बारे जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो YouTube पर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अपने चैनल को AdSense से कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ही आप अपनी वीडियोस की मदद से YouTube से पैसा कमा लेते हैं। अब दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब आपको सिर्फ YouTube का CTR ही देखने को मिलता है, और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपको YouTube के CTR के साथ साथ AdSense का CTR भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोनेटाइज होने के लिए आप अपने चैनल को AdSense से कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि YouTube इंप्रेशन CTR क्या होता है। अब दोस्तों इंप्रेशन का मतलब, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी बार YouTube आपकी वीडियो दूसरों को दिखाएगा तो वहाँ पर इंप्रेशन काउंट होगा, मतलब दूसरों के मोबाइल में आपकी वीडियो का इंप्रेशन कितनी बार दिखाया जाता है उससे हमारा इंप्रेशन बढ़ता है, और उस इंप्रेशन पे जब क्लिक किया जाएगा तो इससे आपका YouTube इंप्रेशन CTR बढ़ेगा। मतलब अगर 10,000 बार आपका इंप्रेशन दिखाया गया और उसमें से 1,000 बार उस इंप्रेशन पे, मतलब उस वीडियो पे क्लिक किया गया, तो इससे आपका जो CTR होगा वो होगा 10%। यानी 10,000 लोगों में से 1,000 लोगों ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया तो आपका इंप्रेशन CTR हुआ 10%। अब दोस्तों YouTube इंप्रेशन CTR जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब जितने ज़्यादा लोग इंप्रेशन पे क्लिक करेंगे उतने ही आपकी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे और उतना ही आपके चैनल के लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों YouTube इंप्रेशन CTR बढ़ाने के लिए आपको उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल हो, साथ ही साथ आपको अपने थंबनेल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तभी जो व्यूअर है वो आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा और आपकी वीडियो बाकियों से ज़्यादा देखी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका YouTube इंप्रेशन CTR काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको पहले तो सर्चेबल टॉपिक्स पे वीडियो बनानी पड़ेगी और आपको साथ ही साथ अपने थंबनेल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप चाहे तो आप फेयर क्लिकबेट कर सकते हैं। फेयर क्लिकबेट से मेरा मतलब ये है कि आपको मिसलीड नहीं करना है, आपको सही क्लिकबेट करना है, मतलब आपकी वीडियो में वही होना चाहिए जो आप अपने थंबनेल और अपने टाइटल में बता रहे हैं, पर आपको अपना थंबनेल कुछ ऐसे ट्रिकी तरीके से बताना है कि एक व्यूअर आपकी वीडियो पे क्लिक करने से खुद को ना रोक पाए, तो इससे आपका YouTube इंप्रेशन CTR जरूर बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने YouTube इंप्रेशन CTR को अपने YouTube स्टूडियो की ऐप में और YouTube.com वेबसाइट में क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया YouTube इंप्रेशन CTR, जो कि जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और रही बात इंप्रेशन की, तो वो तो YouTube के हाथ में होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और अब दोस्तों अगर हम बात करें AdSense के CTR की, तो AdSense का CTR आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका हो और आप अपने चैनल को AdSense से कनेक्ट कर चुके हों। अब दोस्तों AdSense का CTR हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि AdSense का इंप्रेशन क्या होता है, तो दोस्तों मोनेटाइज होने के बाद आपकी वीडियोस पे जितनी बार भी एड्स रन करती हैं, मतलब जो भी आपकी वीडियो पे क्लिक करता है और वहाँ पे जितनी बार भी एड्स दिखाई जाती हैं, तो उसे कहते हैं AdSense इंप्रेशन। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी वीडियोस पे एड्स दिखाई जाएंगी उतना ही आपका AdSense का इंप्रेशन बढ़ेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें AdSense के इंप्रेशन CTR की, तो जितनी बार उन एड्स पे क्लिक किया जाएगा उतनी बार आपका CTR बढ़ेगा। मतलब अगर 1000 बार एड्स दिखाई जाती है आपकी वीडियो पे और उसमें 100 लोग आपकी ऐड पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो इंप्रेशन CTR हुआ, यानी जो AdSense का इंप्रेशन CTR हुआ, वो है 10%, क्योंकि 1000 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया। अब दोस्तों YouTube इंप्रेशन की तरह ही AdSense का जो इंप्रेशन होता है वो भी हमारे हाथ में नहीं होता, मतलब इसे YouTube खुद कंट्रोल करता है कि कितनी बार आपकी वीडियो में एड्स दिखाई जाएंगी और कितनी बार नहीं दिखाई जाएंगी। पर दोस्तों YouTube के CTR की तरह हम AdSense के इंप्रेशन CTR को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि YouTube इंप्रेशन CTR जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, पर AdSense इंप्रेशन CTR जितना कम रहे, मतलब जितना मेंटेन रहे, उतना अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपका AdSense इंप्रेशन CTR ज़्यादा हो जाएगा, अगर 15% या 20% से ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे आपका AdSense जो है वो डिसेबल हो सकता है। अब दोस्तों AdSense के इंप्रेशन CTR को कंट्रोल करने के लिए हमें उन सभी वीडियोस पे मोनेटाइजेशन को डिसेबल करना पड़ता है जिन वीडियोस में आपके व्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं, या कह लीजिए आपकी वीडियोस जो वायरल हो गई है, उन वीडियोस पे आपको मोनेटाइजेशन डिसेबल करनी पड़ती है। इसके बाद ही आपका जो AdSense का इंप्रेशन CTR है वो कंट्रोल में रहता है। पर दोस्तों आपको मोनेटाइजेशन तभी डिसेबल करनी है जब आपका AdSense का CTR जो है वो ज़्यादा दिनों तक 15% से आसपास रहे, क्योंकि अगर आपका AdSense का इंप्रेशन CTR ज़्यादा दिनों तक 15% के आसपास रहेगा तो इससे आपका AdSense डिसेबल हो जाएगा।
इन शॉर्ट कहने का मतलब बस यही है कि यूट्यूब के इंप्रेशन CTR को आपको बढ़ाते रहना है और एडसेंस के इंप्रेशन CTR को आपको कंट्रोल में रखना है। और यूट्यूब इंप्रेशन और एडसेंस इंप्रेशन दोनों ही हमारे हाथ में नहीं होते, पर इन दोनों के CTR हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि यूट्यूब के CTR और एडसेंस के CTR में क्या फ़र्क है। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लूँगा आपसे इजाजत, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।